माय डियर फैमिली कैसे हैं आप सब लोग आई होप यू आर ऑल डूइंग ग्रेट एंड वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं सहरेश और इस टाइम मैं टेरेस पे खड़ी थी और आज का व्लॉग मैंने ज़रा शाम में शुरू किया था ज़रा शाम ही है यहाँ पे इस टाइम तो काफ़ी अच्छा व्यू था तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ तो मैं इस टाइम अपने टेरेस पे खड़ी थी और मैंने सोचा एक वीडियो बना ली जाए तो वीडियो बनाने की मेन रीज़न यही थी कि आप लोगों को बता सकूँ कि हमारे दिन बहुत लंबे हैं आजकल गर्मियाँ और गर्मियों की शामें इंतहाई लंबी हो जाती हैं इतनी लंबी हो जाती हैं इतनी लंबी हो जाती हैं कि ख़त्म ही नहीं होती और रात बहुत छोटी होती है तो हम लोगों का ये वाला जो टाइम था इस टाइम तकरीबन यहाँ पर बज रहे थे नौ तकरीबन एट थर्टी सिक्स इस टाइम यहाँ पे टाइम था और मैंने अपना टाइम आप लोगों के साथ शेयर किया है तो लेकिन आपको जैसा कि नज़र आ रहा होगा कि शाम का रात का ये टाइम था एट थर्टी सिक्स और आपको चाँद भी बेचारा नज़र आ रहा है लेकिन यहाँ पे रात नहीं हुई अभी तक जिस तरह से पाकिस्तान में तो तकरीबन तो इस टाइम जो अच्छी खासी रात हो जाती यहाँ पे मगरब की नमाज़ होते होते तकरीबन नौ साढ़े नौ बज जाते हैं और आपको अभी मोबाइल के कैमरे की वजह से थोड़ा लाइट नज़र आ रहा होगा लेकिन अब भी आपको ज़्यादा क्लियर नज़र आ रहा होगा कि कितना ज़्यादा जो है दिन इस तरह लग रहा है जिस तरह शाम को तीन चार पाँच बजे अक्सर पाँच बजे के करीब जिस तरह चार पाँच बजे के करीब शाम होती है तो इसी तरह शाम थी तो यहाँ पे भी यही हाल होता है पाकिस्तान में तो उस टाइम बंदा चाय शाय पीता है और लेकिन ये जो है इस टाइम दिल होता है कि बंदा अब रात का खाना ही बना ले चाय क्या पीनी है तो फिर मैं किचन में पहुँची और किचन में मैंने रखा हुआ था मटन मटन कौरमा बनाना वो बनाया और फिर उसके साथ मैंने राइस बॉयल किए थे क्योंकि कुछ समझ नहीं आ रही थी कि क्या बनाया जाए तो मैंने सोचा कि क्यों ना रोटी शोटी के बजाय राइस साथ बॉईल कर लिया जाए तो बस मेरी कोशिश यही होती है कि बस एक साथ शाम को खाना जो है वो बनाया जाए क्योंकि इतना लंबा दिन हो जाता है कि छः बजे भी अगर हम लोग रात का खाना खा लेते हैं तो फिर रात तक हमें फिर भूख लग जाती है क्योंकि छः बजे तो इस तरह होता है जिस तरह बिल्कुल दोपहर होती है तो उसके बाद हम लोगों ने खाना खाना था और मैंने जल्दी से प्लेट्स में खाना वगैरह डाला और वीडियो में आपको मटन कौरमा बड़ा मज़े का लग रहा होगा और वाकई में बहुत मज़े का बना था और आप लोग ज़रूर इन्हें राइस के साथ ट्राई कीजिएगा वैसे तो हम लोग नहीं खाते ज़्यादा रोटी के साथ ही इस तरह का साथ बनाया जाता है लेकिन फिर मैंने सोचा कि आज इसको राइस के साथ ट्राई करते हैं क्योंकि मेरे हस्बैंड को राइस बहुत पसंद है तो इसलिए फिर मैंने राइस साथ बना लिया और फिर उसके बाद हम लोग लेकर आए थे एक प्रिंटर 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 हम लोग लेकर आए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी आजकल डॉक्यूमेंट्स वगैरह अक्सर करने पड़ते थे प्रिंट लेकिन ऑफिस असल में शॉप्स जो हैं वो काफ़ी दूर हो जाती हैं घर से तो फिर ऊपर से लॉकडाउन है लॉकडाउन की वजह से बहुत मसला बन जाता है तो फिर मैंने वो प्रिंटर खोलना छोलना था तो मैंने सोचा क्यों आप लोगों के साथ शेयर किया जाए आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में अगर आप लोगों के घर में प्रिंटर है तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि हमारा ये डिसीजन प्रिंटर लेने का कैसा था और अगर ये प्रिंटर आप लोगों के पास है तो आप लोगों को ये कैसा लगता है क्योंकि हम तो अब यूज़ कर चुके हैं मतलब कि खोला वग़ैरह और प्रिंट वगैरह किया तो हमें तो काफ़ी अच्छा लगा तो लेकिन आप लोग भी अपनी राय मेरे साथ जरूर शेयर किया कीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि आप लोगों को ये प्रिंटर कैसा लगा तो प्रिंटर अगर घर में आ जाए तो ज़्यादा अच्छा हो जाता है और इसके साथ मजे की चीज़ सबसे ज़्यादा ये है कि मुझे हस्बैंड मेरे बता रहे थे कि हम इसकी इंक जो है वो हर मंथ जो है वो हमें खुद मतलब फ्री में मिलेगी तो वो ये उनको कर दिया करेंगे वो हर महीने इंक के पैकेट्स जो हैं वो हमें भेज दिया करेंगे और फिर हम इसके कार्ट्रिज जो होते हैं वो उनको खाली करके तो उनको अंदर पैक में रख के वापस अपने मेल बॉक्स में डाल देंगे और वो फिर दोबारा से रिफ़िल होकर आ जाएंगे तो मुझे ये ऑप्शन बहुत अच्छा लगा क्योंकि अच्छे खासे मतलब ट्वेंटी टू ट्वेंट ट्वेंटी फाइव टू थर्टी डॉलर में ये कार्ट्रिज जो है आपको बाज़ार से मिलता है अगर आप बाय करें तो अगर एक चीज़ आपको फ्री में मिल जाती है तो और क्या चाहिए आपको तो चलें मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें क्या क्या कुछ होता है मेरे हस्बैंड देख रहे थे और इसके अंदर मेरे ख्याल में ब्लैक एंड पिंक कलर में दो कार्ट्रिज होते हैं इंक वाले और ये होते हैं ब्लैक ये जो आपको नज़र आ रहा है इस तरह का ये होता है कार्ट्रिज और इसमें इंक होती है तो ये दो होते हैं तो इसको इस तरह से फिक्स अंदर कर देते हैं और फिर इसको कर देते हैं बंद तो उसके बाद इसके सिस्टम को थोड़ा सेट करना पड़ता है और कुछ इन्होंने साथ इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं जिनको आपको फॉलो करना होता है और बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है बहुत इजी सा इसका सेटअप है सारा और बस इसकी वायर वग़ैरह अटैच करते हैं और ब्लूटूथ वगैरह जो है वो सब कुछ इसके साथ है और वाईफाई का कनेक्शन भी हो जाता है इसके साथ मतलब वाईफाई भी कनेक्ट कर सकते हैं तो उसके बाद आप फ़ोन से इसका यूज़ बहुत अच्छा है फ़ोन से आप बस कनेक्ट कर लें और उसके बाद आपको जो पेपर प्रिंट निकालना है वो आप झटपट से निकाल सकते हैं जस्ट प्रिंट के ऑप्शन को क्लिक करके तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल और जो आप एक तरह से हमारी तो काफ़ी हेल्प हो गई क्योंकि अगर आप रोज़ रोज़ पेपर डॉक्यूमेंट्स वग़ैरह आपको प्रिंट करवाने जाना पड़ता है और आ, आप रोज़ रोज़ जाते हैं तो उससे बेहतर है कि आप अपना एक प्रिंटर अब ले कर रख लें क्योंकि हमें बहुत आसानी हो गई है इसे तो और अगर आप इन कंट्रीज़ में यूरोपियन कंट्रीज़ में लाइक आप कनाडा में हैं अमेरिका में हैं यूके में हैं तो इधर तो आपको इनकी बहुत अच्छी जो है ये मिल जाती है साथ फैसिलिटी लेकिन अगर आप यहाँ से मंगवाते हैं पाकिस्तान में या इंडिया में इंडिया का मैं कुछ कह नहीं सकती पाकिस्तान में तो वहाँ पर आपको जो फ्री इंक वाला ऑप्शन है वो नहीं मिलेगा इसका तो बस इसका सेटअप बहुत इजी सा था बिल्कुल जल्दी से हो गया देखने में लगता है कि कुछ मुश्किल होगा लेकिन ये इसने अपना पहला प्रिंट निकाला है जो कि बहुत अच्छा लग रहा था मुझे तो ये है कि ज़रा निकालता आराम से है इस तरह नहीं कि बिल्कुल झटपट से शीर शीट करके जिस तरह हम लोग बाज़ार से करवाने जाते हैं तो एक मिनट में प्रिंट निकल आता है तो ये थोड़ा टाइम लेता है लेकिन फ़ौर से प्रिंट और बहुत अच्छा बहुत क्लियर प्रिंट है ये एच का प्रिंटर है और काफ़ी अच्छे इसके रिज़ल्ट थे और ये कि आप इसमें अगर दो कॉपीज़ वग़ैरह या तीन कॉपीज़ वगैरह निकालना चाह रहे हैं आप अपनी जस्ट क्वांटिटी लिख दें और इसका बाकी जो सिस्टम है वो टच है जो सामने आपको स्क्रीन नज़र आ रही है इसकी ये टच स्क्रीन है और स्कैन भी इसका बहुत अच्छा आ जाता है और इसके अलावा अगर आप कलर में कुछ निकालना चाह रहे हैं तो कलर में भी इसका बहुत अच्छा प्रिंट निकलता है तो ये एक तरह की इंफॉर्मेशन थी जो मुझे लगा कि मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूं इससे किसी की भी हेल्प हो सकती है एक टाइम की इन्वेस्टमेंट है लेकिन एक बार आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा इसकी तकरीबन प्राइस हम लोगों ने सेल प्राइस में लिया था सेवेंटी सिक्सटी टू सेवेंटी डॉलर में हमें मिला था बाकी ये कि वीडियोस को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अब कर दीजिएगा और फिर उसके बाद हमने इसे अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट किया मेरे मियाँ साहब ने और लैपटॉप के साथ कनेक्ट करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था बहुत ईजी सा प्रोसेस था और फिर उसके बाद कुछ सेटिंग्स थी जो कि हमारे फ़ोन्स वग़ैरह के साथ भी होने वाली थी तो अब तो बहुत ईज़ी हो गया मैंने कुछ भी प्रिंट निकालना हो तो मैं फ़ौरन से निकाल लेती हूँ तो इसी इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको अच्छी लगे तो और डोंट फॉरगेट थम्स अप आ, और आप अपनी स्टोरी मेरे साथ इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं लिंक मैं ऊपर डाल दूँगी और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा और मिलते हैं एक न्यू कंटेंट के साथ कल एक न्यू वीडियो के साथ तब तक के लिए हाफिज़